safe at home and study in an excellent manner through these videos. Students, are you studying at home? Okay. और अगर study नहीं कर रहे हो तो start करना, because very soon your exam is going to start. Okay. So students, यहाँ पे आज के इस video lecture में हम करेंगे EVS. So first of all, take out your tulips and open page number 187. आपको tulips निकालनी है and page number 187 open करना है. See students, मैंने previous video में आपको lesson number 5, food we eat, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट? और हमने वो उसमें लर्न किया कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सा फूड है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, वो सारे. और फूड जो हम खाते हैं वो कहाँ से मिलता है, मीन सोर्सेस ऑफ फूड. उसमें हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीरियल्स, पल्सेस देखिए, राइट? और उसमें जो फूड प्लांट्स में से आता है वो देखा, कौन सा फूड एनिमल्स में से आता है वो हमने देखा. तो आज यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 187 पे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच दी कॉलम. आपको यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपकी बुक में पिक्चर है, मैच दी फॉलोइंग कॉलम 1, वहां पे है देखिए कौन सा पिक्चर है, वेजिटेबल्स. यहाँ पे जो है कौन सा पिक्चर है, यहाँ पे वेजिटेबल्स है, राइट? तो यहाँ पे वेजिटेबल्स कहाँ लिखा हुआ है उसके साथ आपको ज्वाइन करना है. तो फर्स्ट लिखा हुआ है फूड फ्रॉम एनिमल्स, मतलब ऐसा फूड जो एनिमल्स में से है. सेकेंड लिखा हुआ है सीरियल्स, उसके बाद है फ्रूट्स, देन नट्स एंड लास्ट वेजिटेबल्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेजिटेबल्स लिखा हुआ है तो आपको ए को 5 के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल की पिक्चर है. तो आपको ए को 5 के साथ मैच करना है, राइट? नेक्स्ट है कौन सी पिक्चर है यहाँ पे सेकेंड बी में, बी है वहां पे कौन सी पिक्चर है, फ्रूट्स है. क्या है, फ्रूट्स. तो यहाँ पे क्या लिखा, कहाँ पे लिखा हुआ है फ्रूट्स, एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स. तो यहाँ पे देखिए एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स, यहाँ पे 3 पे लिखा हुआ है. सो आपको बी को 3 के साथ ज्वाइन करना है. इसी वीडियो की हेल्प से आपको अपनी टुलिप्स में पेंसिल से करना है. ओके, कर रहे हो ना मेरे साथ? गुड. सी, अभी देखिए सी में कौन सी पिक्चर है. सी में है मीट, फिश है, मिल्क है, एग है. तो स्टूडेंट्स फिश, मिल्क और एग हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स में से. मतलब ऐसा फूड कहाँ से मिलता है, एनिमल्स में से. सो यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल्स, ऐसा फूड जो कि एनिमल्स में से मिले. तो यहाँ पे फिश, एग एंड मिल्क है जो कि हमें एनिमल्स में से मिलता है. तो आपको सी है उसे 1 के साथ मैच करना. उसके बाद डी में देखिए सीरियल्स है. डी में क्या है, सीरियल्स. सो यहाँ पे जो पिक्चर है प्लांट है वो सीरियल का प्लांट है. सो आपको डी को टू के साथ ज्वाइन करना है. एंड लास्ट जो है वो है नट्स, राइट, ड्राई फ्रूट्स. सो यहाँ पे एन यू टी एस नट्स लिखा हुआ है. सो आपको ई को 4 के साथ ज्वाइन करना है, E4. ओके, that match the following question number 1 done. Now abhi hum karenge students question number 2. Choose the correct answer, right? Ye hai choose the correct answer. Turn your page and page number 188. Page number hai 188. Yahan pe hai choose the correct answer. Tick write the correct answer, right? To yahan pe dekhiye main read kar rahi hu, aapko answer guess karna hai. वी नीड, हमें क्या चाहिए, टू बिकम स्ट्रॉन्ग. हमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या चाहिए, आपके ऑप्शन है फूड और एयर. सो हमें क्या चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, फूड. तो यहाँ पे जो फूड लिखा हुआ है उसको आपको ऐसे राइट करना, उसे टिक करना है. उसके बाद है वी गेट फ्रूट्स एंड हमें फ्रूट्स और फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट्स में से क्या मिलता है, एक तो फ्रूट्स मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, वेजिटेबल और मीट. तो प्लांट्स में से हमें वेजिटेबल्स मिलता है, तो आपको यहाँ पे वेजिटेबल्स पे राइट करना है. ओके, कर रहे हो मेरे साथ? गुड. नाउ नेक्स्ट देखिए सी, एप्पल और आलमंड इज एन एग्जांपल ऑफ नट. नट का एग्जांपल क्या है, नट इज इन दोनों में से नट क्या है, ड्राई फ्रूट जिसे हम कहते हैं. तो एप्पल तो फ्रूट है, तो आमंड है वो क्या है, नट है.
सो यहाँ पे आपको आलमंड को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट व्हीट इज अ, तो व्हीट है वो क्या है, फ्रूट है, व्हीट मतलब गेहूं, सो ये फ्रूट है, नो ये क्या है, सीरियल है, क्या है, सीरियल मीन्स अनाज, ओके। नेक्स्ट लास्ट है वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ, हमें एवरी डे कितने ग्लासेस पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वॉटर और फ्रूट, हमें 6 to 8 ग्लासेस पीना चाहिए, बट क्या, फ्रूट और वॉटर, हमें वॉटर पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए रोज का 6 to 8 ग्लासेस, ओके। तो यहाँ पे वॉटर रेट आपको राइट करना है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है राइट रॉन्ग, आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट राइट और रॉन्ग, जो स्टेटमेंट राइट है वहां पे राइट करना है, उसके सामने जो रॉन्ग है वहां पे रॉन्ग करना है, कुलिप्स में ही करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कर लिया ना, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक कर लीजिए, और बाद में अभी क्वेश्चन नंबर 3, पीज एंड बीन्स आर पल्सिस, पीज एंड बीन्स है वो पल्सिस है, पल्सिस मतलब मैंने कहा था आपको कठोर जिसे हम कहते हैं, सो पीज एंड बीन्स है वो पल्सिस है, यस है, सो यहाँ पे जो बॉक्स है वहां पे हम राइट करेंगे, सी आपको वहां पे स्टेटमेंट जो है उसके बाजू में ही राइट करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट है कैश्यू नॉट, कैश्यू नट, यहाँ पे नट, कैश्यू नट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल, कैश्यू नट है वो सीरियल है, ऑलरेडी यहाँ पे कह दिया है नट, मतलब कैश्यू नट है वो नट है, वो ड्राई फ्रूट है, तो वो सीरियल कैसे हुआ, सो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग, राइट, ठीक है। नेक्स्ट सी है द फूड वी ईट एट नाइट इज कॉल्ड डिनर, जो खाना हम रात को खाते हैं उसे कहते हैं डिनर, सो यस राइट, इसे डिनर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, हमें मिल्क है वो एनिमल्स में से मिलता है, यस राइट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, एनिमल्स में से मिलता है, वो प्लांट्स में से तो मिलता नहीं है जो हम मिल्क पीते हो, राइट। वी ईट फूड ओनली वंस अ डे, हम दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, नो 3 टाइम्स, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, सो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने तुलिप्स ईवीएस लेसन नंबर 5 फूड वी ईट के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए, इस वीडियो की हेल्प से आपको अपनी तुलिप्स में पेंसिल से करना है और साथ में इसे समझना भी, ठीक है, थैंक यू।